नगर निगम के बोर्ड की बैठक में सांसद तारिक अनवर ने कहा, नगर निगम कर रही है बेहतर कार्य। आज कटिहार के नगर निगम के सभागार में बोर्ड को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि सांसद तारिक अनवर मौजूद रहे। नगर निगम के सभी पदाधिकारी ने बारी बारी से नवनिर्वाचित सांसद तारिक अनवर का भव्य अभिनंदन स्वागत किया। उसके बाद शुरू हुआ बोर्ड की अहम बैठक। नगर निगम क्षेत्र में चौमुखी विकास एवं शहर में बढ़ती हुई आबादी के मद्देनजर आम जनों की सुविधा के लिए माननीय सांसद तारिक अनवर का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए महापौर उषा देवी अग्रवाल ने बिंदुवार तरीके से प्रस्ताव रखा, जिसमें बाटा चौक से जीआरपी चौक होते हुए मनिहारी मोड़ तक एक एलिवेटेड सड़क, संतोषी चौक से ग्रीन शॉप पाड़ा को जोड़ने हेतु एक एलिवेटेड सड़क, गौशाला को महिला कॉलेज सड़क एवं अड़गरा चौक से जोड़ते हुए गौशाला स्थित रेलवे लाइन पर एक एलिवेटेड सड़क, बगवाबाड़ी स्थित रेलवे लाइन पर एक फुट ओवर ब्रिज, तेजा टोला विद्यानगर स्थित रेलवे लाइन के नीचे से एक अंडर पास का निर्माण कार्य, शहर में अति भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था, इन सभी चीजों को लेकर अवगत करवाया गया। प्रस्तावित करने वाले हैं, सबको भी हम अनुरोध पत्र देंगे। वहाँ पर एक हम लोग एक टेम्पररी ऑटो का टेम्पो स्टैंड वगैरह सब वहाँ पर एक बनवा दिया जाए, तो हमारी गाड़ियाँ जो रोड पे लगी रहती है उसके बगल में काफी जगह आज बोर्ड की सामान्य बैठक की गई थी, जिसमें नवनिर्वाचित सांसद महोदय भी का आगमन हुआ था, उसमें आया था, तो उनका हम लोगों ने सबने स्वागत किया है। और रेलवे के क्षेत्र से लेके जो भी हम लोग की डिमांड थी, जो भी आरओबी बनाने वगैरह की, उनके माध्यम से ऊपर केंद्र तक पहुँचाने की हम लोगों ने मांग की है कि आप इसको जो जो ओवरब्रिज वगैरह बनाने की, जो शहर में आने जाने के लिए दिक्कत होती है, तो चार पाँच जगह हम लोगों ने उस भी किया है, तो उसी के लिए हम लोगों ने दिया है। और टाउन के लिए नगर निगम में जो भी हम लोग कर सकते हैं, सभी पार्षदों के साथ में मिलके उस पर भी चर्चा की गई है, बहुत अच्छी तरह से बात हुई है, सभी ने बातों को सुना और अपना अपना सुझाव दिया है, तो सभी की बातों को हम लोग जहाँ तक देखते हैं कर सकते हैं। और सांसद महोदय का भी हम लोगों को आश्वासन मिला है कि आप लोगों की जो जो डिमांड की है हम उसको पूरा करने का उम्मीद करेंगे। हाँ, तो डी एस कॉलेज के पास में हम लोग टेम्पो स्टैंड बनाने की बात हो रही है। अभी मेयर मैडम ने आप संबोधित किया है, सारी बातों की जानकारी दी है। 5-6 जगहों पर हम लोग टेम्पो स्टैंड बनाने जा रहे हैं, बारी बारी से। 2 जगह तो मेरा काम चल भी रहा है और 3 जगह और हम लोग अभी तुरंत में टेम्पो स्टैंड बनाएंगे। आज का जो बैठक है, इस बैठक में हमारे वर्तमान में जो MP हैं उनके का हम लोगों ने अभिनंदन भी किया है और मैडम की ओर से एक प्रस्ताव भी उनको दिया गया है। उन्होंने 2-3 बात कहे हैं कि जो हम लोगों का कटिहार में कटिहार स्तर पर जो रेलवे के पदाधिकारी से बात होनी है, वो कटिहार रेलवे पदाधिकारी बात करेंगे, DRM स्तर का, फिर GM स्तर का और फिर मंत्री लेवल का जो काम होगा उसको दिल्ली से किया जाएगा। और उन्होंने एक आश्वासन और भी दिया है कि शहर के लिए हम भी जिम्मेदार हैं, नगर निगम के साथ हम मिलजुल करके कटिहार को बिहार के नक्शे पर नगर निगम को लाने का प्रयास किया जाएगा। जनरल बोर्ड की बैठक में जैसा अभी माननीय मेयर मैडम ने, उप महापौर ने आपको सारी बातों की जानकारी दी है, हम लोग निरंतर प्रयत्नशील हैं कि शहर में जाम की समस्या कम हो। जहाँ पे ऑटो स्टैंड टेम्पो स्टैंड इत्यादि का अभाव है, हम लोग अपना नगर निगम क्षेत्र में जो जो ज़मीन, इस तरह की ज़मीनें चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी DS कॉलेज के सामने एक गड्ढा नुमा पेट्रोल पम्प के सामने एक जगह थी जहाँ कूड़ा कचरा का अंबार लगा रहता था, उसको ठीक ठाक करा करके वहाँ पे हम लोग पेवर्स ब्लॉक और ये सब करा रहे हैं। और चूंकि पहले से भी वहाँ ऑटो बेतरतीब खड़े रहते थे, तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पड़ाव का शक्ल वहाँ पे दिया जाएगा।
इसके अलावा सहायक थाना के पास भी हम लोग एक जगह चिन्हित कर रहे हैं, वहाँ भी उसको ऑटो स्टैंड बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। अन्यत्र और भी जगह जहाँ जहाँ मुझे मिलेगा, छोटा मोटरसाइकिल स्टैंड हो, अभी पानी टंकी वाला भी स्ट्रक्चर डिलैपिडेट घोषित हो चुका है, उसको भी हम लोग क्लियर करा रहे हैं। वहाँ पर हम लोग तुरंत ही मोटरसाइकिल स्टैंड वगैरह तुरंत में ही शुरू कर सकते हैं, वहाँ साफ़ सफाई करा करके। और जब वो पानी का जो हमारा बड़ा टंकी बना हुआ है उसकी जब ध्वस्त करने की कार्रवाई होगी तो वहाँ भी और भी बड़ी गाड़ियों का भी हम लोग वहाँ पार्किंग कर सकेंगे। इस प्रकार से अन्य जहाँ भी मुझे ऐसे कुछ जगह दिखते हैं जहाँ शहर में जहाँ पर हम अपनी वाहन की पार्किंग करा सकेंगे, वो सारी चीज़ वहाँ की व्यवस्था कर सकते हैं। कुछ हद तक तो राहत होगी, जो यात्रा तो मोटरसाइकिल जो रोड्स पे लगा देते हैं जो यात्री आते हैं या जो भी अपने मार्केटिंग करने आते हैं, और यदि उनको एक हम पैसेज देते हैं, एक जगह देते हैं जहाँ वो अपने वाहन को सुरक्षित खड़ा कर सकें, तो निश्चित रूप से जो अचानक तात्कालिक जाम की समस्या होती है। उसके साथ साथ आज बोर्ड की बैठक में बहुत सारे जो प्रस्ताव लिए गए हैं, एलिवेटेड रोड्स वगैरह का सुझाव दिया गया है। माननीय जो हमारे सांसद महोदय थे उनका अभिनंदन, चूँकि प्रथम बार उनका आगमन हुआ था, उनके अभिनंदन के साथ साथ बोर्ड ने बहुत सारे प्रपोजल्स दिए हैं, जल्दी ही हम उन तक पहुँचाएँगे। और रेल का जहाँ तक उसमें परमिशन की बात है, वो सारी मिल करके हम लोग बैठक भी करने वाले हैं, और इस दिशा में यदि हमें सफलता मिलती है तो निश्चित ही बहुत कटिहार की जनता को एक बहुत बड़ा राहत होगा, जो निरंतर प्रतिदिन वो जाम की समस्या से जूझते हैं। यदि बाहर बाहर हमारे पास फुट ओवर ब्रिज बन जाता है, चाहे वो छोटे पैमाने पर ही सही, तो दोपहिया वाहन के लिए भी बहुत बड़ी सहायता मिल जाएगी, बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू। आज नगर निगम की तरफ से मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया था, और सांसद बनने के बाद पहली बार नगर निगम बोर्ड की बैठक में हमने भाग लिया। मैं पूरे नगर निगम परिवार, महापौर, नगर आयुक्त और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उपायुक्त, उप महापौर सबका, कि जिन्होंने आज मुझे ये एक सम्मान दिया है। और मेरी कोशिश रहेगी कि नगर निगम के साथ मिलकर जो भी नगर संबंधी समस्याएं हैं और नगर को साफ सुथरा रख रखाव करने में जो भी हमारी मदद होगी एक सांसद के रूप में करेंगे, यही हमने आज यहाँ मीटिंग में आश्वासन दिया है। सर, नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव बड़ी समस्या है, इसे करेंगे, उसको भी करेंगे, हम लोग बात करेंगे नगर निगम का, अगर कोई सुझाव आएगा और जैसा मैंने कहा कि जो हमारे लायक कुछ अगर करने की बात होगी तो हम ज़रूर करेंगे।